जय हिंदी। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्ती, हौसलों से उड़ान होती है। रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जनून, इसी जज्बे के साथ मेरे दोस्तों पढ़ाई करना है। आपकी बार फौज की वर्दी पहनना है और अपने माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। इसलिए लगन, जनून और एनर्जी के साथ आपको रेगुलर नॉन स्टॉप पढ़ना है मेरे दोस्ती। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जिन नौजवानों का एग्जाम 28 फरवरी को है, बिल्कुल उनके एग्जाम अकॉर्डिंग मेरे दोस्ती ये सैंपल पेपर हमने जीके जीएस का बनाया है। अगर मेरे दोस्ती आप इन मेरे दोस्ती 30 में से अगर 25 प्लस का बिल्कुल राइट जवाब देते हैं तो मेरे दोस्ती फौज के पेपर में आप 30 में से 27, 28 या 30 में से 30 बिल्कुल राइट करके आओगे। बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त हमने ये पेपर है ये बनाया है। जीडी ट्रेडमैन और जिन नौजवानों का टीए का भी एग्जाम, हालांकि अभी तो नहीं है, जो प्रिपरेशन वर्तमान में कर रहे हैं, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त ये पेपर जिन नौजवानों का जीडी ट्रेडमैन का है, सेंटर का जो पेपर है, बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग ये पेपर मेरे दोस्त हमने तैयार किया है। बिल्कुल ईमानदारी से मेरे दोस्त ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको देना है। पूरा स्कोर आपको पूरी क्लास ईमानदारी से देखने के बाद बताना है और टेस्ट को हमेशा मेरे दोस्ती ओमार शीट के अंदर देने की कोशिश करें। बाग फर्स्ट के अंदर हम सामान्य ज्ञान के मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का आपके एग्जाम में मेरे दोस्ती जीके पूछा जाता है और यहां पर बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेंगे। बाग ब के अंदर सामान्य विज्ञान के आपको 15 क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। टोटल जीके जीएस है ये 60 नंबरों का मेरे दोस्ती आज आपका मॉडल टेस्ट पेपर होगा। देखते हैं कितने नौजवान 60 में से 60 नंबर लेकर आते हैं। अगर यहां पर आपने पूरे में से पूरे राइट किए तो मेरे दोस्ती दुनिया में नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। और जिस नौजवान ने अगर 25 प्लस कर दिया तो उसके भी सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत मेरे दोस्ती नहीं आएगी। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने लाइक नहीं किया है ईमानदारी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम नौजवानों के पास जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का। तो बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? मेरे दोस्ती आज की क्लास से 28 फरवरी एग्जाम में डेफिनेटली मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। ऑप्शन आपके पास है 1761, 1726, 1556, 1526। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं 1526, वो बिल्कुल राइट बता रहे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेरे दोस्त ऐसे भी आ सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के मध्य हुई, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, बाबर की इसमें मेरे दोस्ती विजय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई है ये मेरे दोस्त 1556 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई है यह सन 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, यह आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1917, 1926, 1937, 1901। 5 सेकंड का आपके पास समय है, सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे 1917, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसने की? महात्मा गांधी ने की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असम राज्य की सीमा है ये कितने राज्यों से लगती है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 7
राज्य से लगती है मेरे दोस्ती, असम की, ये आपको ध्यान रखना है, सेवन सिस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति का नाम क्या था, यह बताना है, बहुत ही मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, एमर्सन, रॉबर्ट पियरी, संजय थापर, यूरी गागरिन, ये बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं रॉबर्ट पियरी, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। अंतरिक्ष में जाने वाला अगर पहला व्यक्ति की हम बात करें तब आपको यूरी गागरिन करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा सौरमंडल है ये किस आकाश गंगा में स्थित है, दुग्ध मेखला, सौर मेखला, चंद्र मेखला, इनमें से कोई नहीं। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दुग्ध मेखला, मिल्क वे, क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, कोंकणा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, बांद्रावाली शिलिंग। तो मेरे दोस्त पहले भारत का सबसे बड़ा जो पुल था ये महात्मा गांधी सेतु था, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर मेरे दोस्त महात्मा गांधी सेतु नहीं मेरे दोस्त, नोट करना, भूपेन हजारिका सेतु डोला सादिया, 26 मई 2017 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, तो नोट कर लेना, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु या डोला सादिया, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, द्वैध शासन, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, हड़प नीति या काले गोरे में भेदभाव। तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन का विरोध है ये इसलिए हुआ क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, ये आपको बताना है, बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त आपके एग्जाम में है, ये सैम डिटो क्वेश्चन मेरे दोस्त रिपीट होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं 65 वर्षीय, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, असम, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटका। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे कर्नाटक का, वो बिल्कुल राइट बता रहे मेरे दोस्त। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये मेरे दोस्त असम में है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, यह आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के अंदर मेरे दोस्त नंदन कानन है, ये उड़ीसा में है, और नैनीताल है ये उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागर होल अभ्यारण्य है ये कर्नाटक में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं गंगा, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ, 1903, 1904, 1906, 1905। बिल्कुल बंगाल का विभाजन है ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना है ये 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो या येन, ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपको बताना है। और हिंदुस्तान के जितने भी कर्म योद्धा हमें सुन पा रहे हैं भाई, लाइक है ये बहुत ही कम है, ईमानदारी से सभी नौजवान जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने लाइक कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है ससुरा लाइक कीजिए भाई, आप लाइक नहीं करते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जापान की जो करेंसी मुद्रा है ये येन है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर की मृत्यु हुई थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पावापुरी, लुम्बिनी, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं, इसे बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस स्थान पर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
बिल्कुल बहुत बढ़िया, पावापुरी इसका राइट आंसर होगा। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। पावापुरी बिहार में है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं, ये बताए मेरे दोस्त। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक आप सभी नौजवानों को बताना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल राइट बता रहे, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, मदन मोहन मालवीय ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं। वाकई में उनकी तैयारी बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। स्वराज पार्टी की स्थापना है यह सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है। और साबरमती की स्थापना है, साबरमती आश्रम मेरे दोस्त, महात्मा गांधी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट मेरे दोस्त, अब हम जीएस के 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद आपको बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। अगर मेरे दोस्त 30 में से अगर ईमानदारी से आप 25 प्लस का बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी जीके जीएस की बहुत ही मेरे दोस्त शानदार है। बस इसी अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम की मेरे दोस्त तैयारी है ये रखना है। सिलेक्शन मेरे दोस्त आपका डेफिनेटली होगा। किसी ने लिखा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरे राजा क्या है। रात और दिन एक कर दीजिए मेरे दोस्त, भगवान स्वयं आपको कहेंगे कि आपको किसके अंदर जाना है, तो आप एक ही बात कहोगे हमें फौजी बनना है और बॉर्डर पे जाना है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त, पसीना बहाना होगा। जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, आप दिन और रात एक कर दीजिए मेरे दोस्त। सिलेक्शन लेना है आपको, जो मौका मिला है फौज के पेपर में बैठने का, ये बार बार मेरे दोस्त नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? फर्स्ट भर्ती हो चाहे आखिरी भर्ती हो, बस यही आपके लास्ट भर्ती है, यही आपका मेरे दोस्त टारगेट होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है आवेश होता है, आपको बताना है आवेश होता है, एक मिनट, प्रोटोनों की परवाह है, इलेक्ट्रॉनों की परवाह है, न्यूट्रॉनों की परवाह है, या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। आवेश होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है आवेश, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्या है मेरे दोस्ती, नेक्स्ट कहता है साबुन का सूत्र क्या है, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इन ऑप्शनों को ईमानदारी से रीड कीजिए, 5 सेकंड का आपके पास समय है। सभी नौजवान ईमानदारी से बताएंगे साबुन का सूत्र है, ये बताइए। केमिकल फार्मूला आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए इसका राइट होगा मेरे दोस्त, नोट कर लेना जिस नौजवान को नहीं पता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। साबुन का सूत्र है 17H35C(NA), ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आयु किस जीव की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सबसे अधिक आयु किस जीव की होती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मोर, बाज, गिद्ध, कछुआ, ये बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल कछुआ की होती है, ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त है ये किसके द्वारा संचित होता है। 4 ऑप्शन पास है आपके और सभी नौजवानों का इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। HW के लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दोस्त जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसके बारे में आपको रिसर्च करना है, फिर आप उसका अगर राइट आंसर देते हो तो जिंदगी में वो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त अभी अगर हम आपको बताएंगे तो इस क्वेश्चन में आप फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता
क्या होगी। ये हालांकि जीडी वालों के माइंड में कम ही आएगा, ठीक है। जो आशीष जी ने बोर्ड पे करवा रखी है वो ग्लासेज आप देखिए तो समझ में आ जाएगा। 5 डायोप्टर मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर होगा, आंसर है ये, आप नोट कर लेना। टेक्निकल वाले नौजवान है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है यह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, शून्य, अनंत या इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे दोस्त अनंत होती है, ऑप्शन इसका सी है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेड पंप है ये किस प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का, प्रथम प्रकार का, तृतीय प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। हेड पंप किस प्रकार का उत्तोलक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है हेड पंप, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर पहिए व सड़क के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल या ससंजक बल, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं, घर्षण बल, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। नेक्स्ट कहता है, सोने का प्रतीक क्या है, ये रासायनिक सिंबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है। सोने का रासायनिक सिंबल है मेरे दोस्त Au, चांदी का है Ag, कॉपर का है Cu, क्रोमियम का है Cr, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्विक लाइम का सूत्र है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज किया है, क्विक लाइम का सूत्र आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें सभी नौजवान कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर हम आपको कहेंगे मेरे दोस्त क्विक लाइम को हिंदी में चूना कहा जाता है, तो आप फटाक से आंसर बताओगे, सर चूने का रासायनिक सूत्र है यह CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर है। तो क्विक लाइम है, चूने को इंग्लिश में क्विक लाइम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है, सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, 4 ऑप्शन आपके पास है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। और भाई जितने हिंदुस्तान के कर्म योद्धा हमें सुन पा रहे हैं, लाइक है ये बहुत ही कम है भाई, लाइक कीजिए भाई, लाइक नहीं किया है जिन्होंने ईमानदारी से। इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी राइट होगा, CO2, ये सोडा वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यह एक जहरीली गैस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, पॉजिट्रॉन, एंट्यूट्रिन, पायोमेसोन या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है पॉजिट्रॉन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO+H2 का मिश्रण कौन सी गैस बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, वाप अंबार गैस या कोल गैस, CO+H2, इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल वाटर गैस इसका राइट आंसर होगा भाई, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। और CO+N2 ये होता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, रासायनिक सिंबल मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जरूर क्लियर कीजिएगा, BaBrB या BM, बेरियम का प्रतीक चिन्ह, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेरियम का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, Ba होगा मेरे दोस्त, Br नहीं होगा, Ba होगा, ऑप्शन इसका ए राइट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग मेरे दोस्त ये पूछा जाएगा, क्लियर है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GERMANY को HFSNBOZ लिखा जाता है, तो मेरे दोस्त FRANCE को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, जी के बाद में एच आता है, ई के बाद में एफ आता है, आर के बाद में एस आता है, एम के बाद में एन आता है, ए के बाद में बी आता है, एन के बाद में ओ आता है और वाई के बाद में जेड आता है। तो एक की मेरे दोस्त वर्दी हुई है, एक प्लस किया है, तो उसी प्रकार आपको मेरे दोस्त एप के अंदर आप जब एक प्लस करोगे तो एप 6 पे आता है, 6+1 करोगे 7, 7 पे क्या आएगा भैया, जी आएगा। आर पे 1 प्लस करोगे क्या आएगा भैया, एस आएगा। ए के अंदर 1 प्लस करोगे तो भैया क्या आएगा, बी आएगा। ए एन एन में आप 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। सी में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। और ई में आप 1 प्लस करोगे तो भैया क्या आएगा, एफ आएगा। तो देखिए GSBODF, ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्त,
राइट होगा। तो अब सभी नौजवान बताएंगे आप इन 30 में से मेरे दोस्त, अगर 25 प्लस का आप अगर बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की मेरे दोस्त दिक्कत है ये नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सैंपल पेपर आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हिंदुस्तान के सभी नौजवानों के पास ही। सभी नौजवान एक बार ईमानदार से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।